जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन में क्या है कि ये जो ट्रैक लगा हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो स्पेस बना हुआ है, दो SCR भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दो SCR के जगह पे एक ट्रैक भी यूज कर सकते हैं। वो हम जब आपको ट्रैक के बारे में बताएंगे और SCR दोनों के बारे में बताएंगे तब आप इसे समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये चार्जिंग के लिए हमारा जो एक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है उसका नंबर यहाँ पर देखेंगे BTB16-8000800। अब देखिए ये है, इसमें तीन पिन आउट है इस ट्रैक में। अब तीन पिन में क्या है कि देखिए एक और दो, एक तीन। अभी तीसरा नंबर जो है यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर से जुड़ा हुआ है जो कि ये ऑप्टो कपलर इसे ड्राइव करता है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले इसके पिन के बारे में समझें। ये यमोन है, यमोन, M2 और ये है गेट। ये हम कुछ इस टाइप से बनाए हैं कि इसको आप देख के इसी एंगल पे, यानी जब आप ट्रैक को ऐसे रखेंगे जैसे ये रखा हुआ है, तो आप अपने राइट और लेफ्ट हैंड से इसे क्लियर कर सकते हैं कि हमारा गेट कौन है बिना मल्टीमीटर से देखे। तो आपको ये जो है अगर इस एंगल पे रखेंगे तो हमारा राइट साइड से ये गेट दिखेगा और इधर यमोन दिखेगा। तो इस तरीके से भी आप इसके पिन को पहचान सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर में क्या है कि ये जो एक डॉट है यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा जो व्हाइट कलर का ये ऑप्टो कपलर है, यहाँ पे एक डॉट बना है वो इंडिकेट करता है कि पिन नंबर एक, यानी ये पिन नंबर एक अगर होगा यहाँ पे तो ये पिन नंबर दो हुआ, ये पिन नंबर तीन हुआ। अब ये एक दो तीन के बाद यहाँ पे जब दूसरे साइड में आएंगे आप तो यहाँ पे पिन नंबर फोर होगा, फिर ये फाइव होगा। इसी तरीके से इसकी काउंटिंग होती है पिनों की। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले मेंस। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस जो हमारा प्लग है जो एक सॉकेट में लगता है हमारे घर में इसके चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि एक एन है और एक एल, यानी ये एल जो है एक लाइन है और ये न्यूट्रल है, इसे फेज भी आप कहते हैं और इसे न्यूट्रल कहा जाता है। और बीच में जो ये है हमारा ये पिन निकला हुआ है ये अर्थ है जो कि ये बॉडी से टच रहता है। जब आप सॉकेट में आएंगे तो एक होल मिलेगा आपको, यानी इस पांच पिन में चार पिन को छोड़कर बीच में जो एक बड़ा सा होल होता है वो हमारा होता है अर्थ, यानी वो बॉडी से हमारा ग्राउंड रहता है। क्योंकि कभी कभी कनेक्शन में क्या होता है कि जब यहाँ से वायर केबल काटते हैं तो लोग इसको जो है मिस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री वायर निकले हुए हैं तो एक वायर जब यहाँ पे जोड़ देते हैं या इसमें किसी कनेक्ट कर देते हैं तो वो जब बॉडी को टच करते हैं तो पूरी जो करंट है वो बॉडी में चली जाती है। तो इसलिए इसे क्लियर कर लें, क्योंकि अगर हमारा ये यानी येलो कलर का है या ग्रीन कलर का अगर वायर है, या कंटिन्यूटी देख लें कि बॉडी से कौन सा अर्थ है उसी से जो क्लियर करके आप कोई दूसरा प्लग बदलें। अब यहाँ पर देखें ये हमारा जो है यहाँ से फेज इन हुआ, ये लाइन हमारी जब इन हुई तो ये देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, यानी जब इसमें आप देखेंगे यहाँ इस सॉकेट पे तो यहाँ जो एक मेल फीमेल यहाँ पे कनेक्टिंग कनेक्टर यूज होते हैं तो यहाँ से सारी कनेक्टिंग जो है इसके रिले की होती है। जैसे यहाँ पे ये देखे हैं इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको डिजाइन किए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा इन होगा तो ये सीधे यहाँ पे होते हुए, यानी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या हुआ इधर चला गया। अब ये बचा हमारा फेज, फेज क्या होगा कि ये सीधे जो है यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे इन होने के बाद ये सीधे अंदर इस पिन से कनेक्ट है, यानी IL और IL जो दोनों पॉइंट हैं ये एक ही हैं। अब यहाँ से जो कनेक्शन जा रहा है ये सीधे एक रिले पे जाएगा जो कि ये चार्जिंग का रिले होगा, और चार्जिंग को ऑन ऑफ करने, यानी इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए ये हमारा यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है।
फिर दूसरा है ये जो एक लाइन इधर गई और यही लाइन यहाँ पे इस वाले जो है रिले पे गया, जो कि ये रिले हमारा आउटपुट है। अब आउटपुट रिले में क्या होगा कि ये सीधे यानी एनसी जो है ये नॉर्मल कनेक्टिंग है, यानी जब रिले हमारा रिले में एनओ और एनसी होता है, जब रिले हमारा नॉर्मल पोजीशन में होता है, नॉर्मल पोजीशन में मतलब हुआ कि इसमें जो है कोई सप्लाई नहीं होती, यानी जब इसे प्लस और माइनस दिया जाता है तब ये हमारा ऑन होता है, यानी जब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दी गई होती है तो एनसी नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल कनेक्ट रहता है, यानी इस वाले हमारा जो पोल है ये बीच वाला इसे पोल बोलेंगे, ये पोल है यहाँ पे, ये पोल है बीच में। अब ये पोल क्या हुआ कि जब हमारा यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होगी तो ये हमारा एनसी से कनेक्ट होगा, यानी नॉर्मल कनेक्टिंग, और ये नॉर्मली ओपन, यानी नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा, यानी वो मतलब हो गया ओपन और एन मतलब हो गया नॉर्मल, तो नॉर्मल में ओपन रहेगा ये और नॉर्मल में ये कनेक्ट रहेगा। तो दो चीज़ें हो गई, नॉर्मल मतलब कि जब उसमें कोई सप्लाई नहीं दी गई तो उस समय जो है नॉर्मल कनेक्टिंग रहेगी, उसे हो गया एनसी। अब ये जो ओपन है जब इसमें सप्लाई आएगी तो ये ऑन होगा तो इससे डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी एनसी हमारा डिसकनेक्ट होके और इससे ओपन जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर यहाँ जब लाइन आ रही है तो उस समय ये रिले ऑन नहीं होगा, यानी जब रिले ऑन नहीं होगी तो ये जो मेन सप्लाई है हमारी यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये सीधे ऐसे ऐसे यहाँ से जो हमारा लिखा हुआ है ओ एल दोनों पॉइंट बने हुए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यहाँ पे ओ एल मतलब हुआ आउटपुट लाइन, ये लाइन जो है यहाँ पे इनपुट लाइन में जुड़ी यहाँ, और यहाँ इनपुट से होके यानी ये भी इनपुट है और सीधे यहाँ पे एनसी पॉइंट पे आई, एनसी पॉइंट से ये चूँकि इस समय रिले ऑन नहीं है तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसलिए ये सप्लाई सीधे यहाँ से आउट होके एमसीबी के द्वारा इस आउटपुट सॉकेट में जा रहा है, जो कि हमें हमारे घर में जो लाइन आउट होगी वहाँ पे मिलेगा। अब किसी कंडीशन में अगर यहाँ पे लाइट नहीं है तो उस समय क्या हुआ कि बैटरी से ये हमारा जो पीसीबी वर्क करेगा, यानी इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा सिस्टम होता है कि आप चाहे स्विच ऑन रखें तो भी अगर लाइट है तो वो यहाँ पे रिले को ऑन नहीं होने देगा, लेकिन अगर आप इन्वर्टर का स्विच ऑन रखे हैं और जैसे लाइट गई जैसे इसे सप्लाई मिल जाएगी वो माइक्रो प्रोसेसर से आएगा, यानी जो हमारी सिस्टम आईसी होती है तो उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, यानी यहाँ पर 12 वोल्ट आ जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है इससे ऐसे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इससे कनेक्ट और ये भी एक साथ में दोनों ऑन होंगे, यानी ये पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी सप्लाई जब इसमें भी आएगी तो इसमें भी आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव पहले से रहता है, निगेटिव एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से दिया जाता है। यहाँ पर देखें जैसे ये ऑन हुआ फिर ये भी ऑन हुआ, एक साथ में दोनों रिले ऑन होंगे, तो अब ये क्या हुआ इससे कनेक्ट हो गया एनओ से। अब ये जो सप्लाई यहाँ जा रही थी देखिए ये ओपन कंडीशन में हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई यहाँ पे। अब ये जो सप्लाई यहाँ ट्रांसफार्मर से आउटपुट बन रहा है इसके द्वारा जनरेट हो रही है सप्लाई, वो सप्लाई अब हमारा इस एनओ के द्वारा जो हमारा ये रिले का पॉइंट है यहाँ से सीधे इस पोल से होके और ऐसे एमसीबी से होते हुए इस आउटपुट पे आएगा। अब यही आउटपुट जो हमारा इन्वर्टर के बैक साइड में लगा होता है सॉकेट, यहीं से आप एक सिंगल वायर लेते हैं तो उसे भी समझे, जब इन्वर्टर की वायरिंग जैसे किया जाता है तो यही वायर जो है यहाँ पे पी लिखा हुआ है ये फेज हुआ, अब यही आउटपुट वाला लाइन ऐसे
बाहर निकलेगा, एक ही बार निकाला जाता है। एक बार इसलिए निकाला जाता है क्योंकि न्यूट्रल ये जो लाइन है ये हमारा सीधे जब हमारे घर घर में जितनी भी वायरिंग हुई होती हैं हर जगह ये न्यूट्रल जुड़े होते हैं, चाहे वो फैन का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे एलईडी का हो, चाहे ट्यूब का हो, किसी जगह भी हो, चाहे कोई सॉकेट हो, पावर सॉकेट हो, हर जगह ये जो है न्यूट्रल रन करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल एज ए कॉमन और ये एक बटन के द्वारा होता है। कहीं भी कोई भी आप स्विच ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा, ट्यूब ऑन होगा, तो आपको कहीं भी अगर इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं तो एक वायर केवल यहाँ से जो जाएगा आप उस जगह केवल मान लीजिए जैसे हमारा एक स्विच है और ये फैन से जुड़ा हुआ है, ये फैन से जुड़ा हुआ है, अब ये स्विच जो है ऑन ऑफ का पहले से ये ऑलरेडी मेन से चल रहा है, अब हमको इन्वर्टर कनेक्शन करना है तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो फैन में जा रहा वायर है इसको जाने दीजिए, केवल ये वायर जो हमारा मेन से आया है इसे आप यहाँ से डिसकनेक्ट करके और ये वाला वायर जो जा रहा है ये हमारा ऐसे जोड़ दें। अब क्या होगा कि फैन को ऑलरेडी न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, अब इससे क्या होगा जब हमारी लाइट आएगी तो लाइट का कनेक्शन यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ ऐसे आ जाएगा और लाइट जब चली जाएगी तो इन्वर्टर से कनेक्ट होके यहाँ से ऐसे जो है ये कनेक्शन इसमें आ जाएगा बल्ब में। अब ऐसे जितने भी आपको कनेक्शन बढ़ाने हो, चाहे पावर सॉकेट के, चाहे फैन के, चाहे एलईडी के, या जितने भी आपको कनेक्शन ऐसे बढ़ाना है तो ऐसे आप इस पॉइंट को डिसकनेक्ट करते जाएँ, जो वायर जुड़े हैं उसे निकाल दें, जो वायर जुड़े हैं उसे निकाल दें, और ये हमारा चाहे ट्यूब का हो चाहे जो भी कनेक्शन हो आप ऐसे बढ़ाते चले जाएं, एक वायर ऐसे जो है पूरे इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं। तो ये ओपन है इसलिए आपको बता दिए कि इस तरीके से आप इसके वायरिंग को भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि हमारा एक वायर निकला है तो वो कैसे कनेक्ट होगा। उसमें देखिए कोई भी सॉकेट है आप इसे जैसे इसको हम बताए हैं कि आप अपने हैंड का इस्तेमाल करें कि जैसे एक राइट है और एक लेफ्ट है, अब यहाँ पे ये सॉकेट है, जब आप इस कंडीशन में देखेंगे जैसे इन्वर्टर हमारा इस साइड में है और सॉकेट ऐसे बना हुआ है, आप देखेंगे ज़्यादातर जितने भी कंपनी हैं लगभग सभी में जो है आप इसे एक साइड में न्यूट्रल होगा एक साइड में फेज होगा और जो न्यूट्रल होगा वो बाएँ साइड में होगा यानी इस साइड में। जब आप इन्वर्टर में देखेंगे अगर सॉकेट ऐसे सामने है और इन्वर्टर का फ्रंट उधर है और बैक हमारे सामने है तो आप क्या है? इस हाथ पे यानी लेफ्ट पे एक न्यूट्रल होगा और इधर से फेज होगा जो कि आउट करेगा लाइन, तो इससे आपको जो कनेक्शन करना होगा तो आप न्यूट्रल से ना निकाल के एक वायर जो निकलेगा वो फेज से ही निकलेगा। और इसी तरीके से हम प्लग में भी समझेंगे, प्लग जो होगा वहाँ पर भी लिखा होता है न्यूट्रल और लाइन, और यहाँ पर देखें इसी के अनुसार इसके भी मैचिंग है यानी इसे भी जब आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे अगर प्लग को ऐसे रखें तो ये क्या हुआ, ये राइट साइड में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, राइट साइड में क्या होगा न्यूट्रल होगा और यहाँ पे लाइन होगा, क्योंकि जब इसे आप मान लीजिए ऐसे इन करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये पिन हमारा सीधे यहाँ पर आ रहा है और ये पिन सीधे यहाँ पर आ रहा है और बीच वाला पिन यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, अर्थ हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम